असलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे फ्राइड चिकन बनाने की रेसिपी। वैसे तो KFC का फ्राइड चिकन बच्चों और बड़ों सबको ही बहुत पसंद है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि KFC फ्राइड चिकन आप घर में कैसे बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और घर में भी आपका फ्राइड चिकन जो है वो क्रिस्पी और क्रंची बनेगा, तो ये रेसिपी घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आप ये रेसिपी जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो इस रेसिपी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होंगे वो आप नोट कर लें। सबसे पहले हमें चाहिए इसके लिए चिकन। चिकन के डिफरेंट पीसेस आप यूज कर सकते हैं, जिसमें लेग पीस यूज कर सकते हैं, ब्रेस्ट पीस यूज कर सकते हैं, बोनलेस भी यूज कर सकते हैं, और इसकी आप स्किन रिमूव भी कर सकते हैं और स्किन के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो आप जैसा चिकन चाहते हैं आप वैसा यूज करें। हमने मिक्स यूज किया है, स्किन हमने रिमूव कर ली है, लेकिन डिफरेंट पीसेस हमने इसके लिए यूज किए हैं। इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स में हम लेंगे 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून हम लेंगे सॉल्ट, 1 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सफेद मिर्च, 1 टेबलस्पून इसमें हम लेंगे कोरिएंडर पाउडर या धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून इसमें हम लेंगे हॉट सॉस, विनेगर और सोया सॉस। ये तमाम चीजें हमने इसमें 2 टेबलस्पून ली हैं। इसके अलावा हमें चाहिए 3 कप मैदा, जो हमने कोटिंग के लिए चाहिए। 1.5 टेबलस्पून इसमें हमने लिया है जिंजर पेस्ट और 1.5 टेबलस्पून ही गार्लिक का पेस्ट। तो चिकन के ऊपर आपने इस तरह से कट लगा लेने हैं, ज्यादा डीप कट नहीं लगाने वरना आपके पीसेस जो हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके ऊपर आप हल्के हल्के से कट्स लगा लें ताकि आपकी मैरिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो। तो सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले तमाम सॉसेज ऐड कर लेंगे। इसमें हमने सोया सॉस, विनेगर और हॉट सॉस ऐड कर दी है। इसके बाद तमाम मसाले जो आपको इंग्रेडिएंट्स में बताए हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी हमने इसमें डाल दिया। इन तमाम चीजों को अब हमने मिक्स कर लेना है ताकि चिकन को हम मैरिनेट कर सकें मसाले के साथ। चिकन पीसेस पे हमने कट लगाए थे ताकि हमारा मसाला अंदर तक चला जाए और मैरिनेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। मैरिनेशन करने के बाद चिकन पीसेस को आपने घंटे से 2 घंटे के लिए साइड पर रख देना है ताकि अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो जाए। उसके बाद जब आप दोबारा से चिकन को लेंगे और कोटिंग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपने मसाले को दोबारा से चिकन में एक दफा से मिक्स कर लेना है ताकि चिकन के ऊपर अच्छे से मसाला लग जाए। हम लोग जो मैदा ले रहे हैं वो सिंपल मैदा है, इसमें हम कोई भी मसाला ऐड नहीं कर रहे हैं। आप मुख्तलिफ रेसिपीज अगर देखेंगे तो उसमें मसाला भी ऐड किया जाता है, लेकिन हमारी रेसिपी में मैदे में कोई भी मसाला नहीं ऐड किया जा रहा, क्योंकि हमने चिकन को ही मैरिनेट कर लिया है, तो वही आपको जो है वो स्पाइसी टेस्ट दे देगा। तो अब हम जो है वो मैदे में फर्स्ट कोटिंग कर लेंगे। आप 1 से 2 पीस ले लें, खुले बर्तन में लें मैदा ताकि आसानी से इसकी कोटिंग की जा सके। तो मैदे की कोटिंग हमने इस तरह से करनी है कि इसको साथ साथ प्रेस भी करते जाना है, जैसे आप आटा गूंथते हैं वैसे इसको थोड़ा सा साथ साथ चिकन को प्रेस करते जाएं ताकि मैदा इसके साथ अच्छे से स्टिक कर जाए। तो जब आपने मैदे के साथ इसकी कोटिंग कर ली, इसके बाद आपने इन पीसेस को पानी में डिप कर देना है। पानी में आपने बहुत ज्यादा डिप नहीं करना है ताकि मैदा इससे ना उतरे, बस हल्का सा डिप करना है। और इसके बाद हमने इसको जो एक्सेस पानी है वो हम थोड़ा सा ड्राई करने के लिए इसको ग्रिल पे रख देंगे पीस को। इसी तरह से दूसरे पीस को भी हम झाड़ के पानी में डिप कर लिया है। पानी में अगेन इसको ज्यादा डिप नहीं किया और इसके बाद हम इसको दूसरे पीस को भी ग्रिल पे रख देंगे। इसी तरह से हम बाकी अपने सारे पीसेस जो हैं उनको एक दफा मैदे में कोटिंग करके पानी में डिप करके और यूं ग्रिल के ऊपर रख देंगे ताकि एक्सेस पानी जो है वो इसमें से रिमूव हो जाए। इसके बाद हम मैदे को जो है वो हल्का सा छान लेंगे, क्योंकि मैदे में लम्प्स बन गए थे जब हमने इसकी फर्स्ट कोटिंग की थी, तो ये लम्प्स हमने मैदे में से रिमूव कर लेने हैं। ये लम्प्स जो है ये आपकी बिल्कुल वेस्टेज है, ये अगर पीसेस के साथ स्टिक करेंगे तो जैसे ही आप फ्राई करेंगे तो ये दोबारा ऑयल में चले जाएंगे और वो सारी शेप जो है वो खराब हो जाएगी, तो ये वेस्टेज को आप निकाल के आप इसको तो यूज करने की जरूरत नहीं है। अब पीसेस पे हम मैदे की सेकंड कोटिंग कर लेंगे। तो
दो पीस इस तरह से दोबारा से हम मैदे में डाल के इसको हल्का हल्का सा हाथ से गूंदने की तरह से इसको हम मैदा इस पे कोट कर लेंगे। तो नाजरीन ये आप देख रहे हैं कि इसको मैंने मैदे के साथ अच्छी तरह से कोट कर लिया है और जिस तरह आटा गूंदते हैं वैसे जैसे हम बता रहे हैं कि इसको कोट करते जाएं और ताकि मैदा जो है वो अच्छे से इसके साथ स्टिक कर दे। जब इसके कोटिंग हो जाए आपको फील हो कि मैदा इसके साथ स्टिक कर गया है तो इसको एक दफ़ा आप यूँ झटकें ताकि उसका एक्सेस मैदा जो है वो इससे रिमूव हो जाए। मैदा साथ स्टिक जो कर गया है बस हमें उसी की ज़रूरत है, जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको हमने रिमूव करना है। तो ये हमारा पहला पीस जो है वो रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरे पीस को भी दोबारा से एक दफ़ा कोटिंग करेंगे और फिर इसको एक्सेस मैदा जो है वो इसको इस तरह से झाड़ेंगे तो एक्सेस मैदा इसका रिमूव हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि इसके साथ मैदा जो है वो जो स्टिक कर गया है वही इसकी वो क्रिस्पीनेस जो है वो लेके आएगा इसमें और इसकी शेप भी जो है वो KFC स्टाइल की निकलेगी। तो इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने तमाम चिकन पीसेस जो हैं वो मैदे में कोट कर लिए हैं। तो ये तमाम हमारे चिकन पीसेस की कोटिंग तो रेडी हो गई है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको फ्राई करना है। चिकन पीसेस रेडी करने के बाद अगर आप इसको फौरी तौर पे फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इसको इस स्टेप तक रेडी करके फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब भी फिर बाद में आप इसको फ्राई करना चाहें तो बाद में आप फ्रिज से निकाल के इनको फ्राई कर सकते हैं। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले ऑयल जो है वो हमने गरम कर लिया है तो इसमें अब हमने चिकन के पीसेस डाल दिए हैं। आप एक एक पीस करके डालें इसमें और मेक श्योर करें कि पीसेस में जो है वो जगह बाकी है, एक दूसरे के साथ पीसेस टच नहीं होने चाहिए। तो ये हमने 3 लेग पीसेस डाले हैं तो ये चौथे की भी जगह थी तो हमने चौथा पीस भी इसमें डाल दिया। पीस डाल के इसको हम फौरी तौर पे नहीं हिलाएंगे ताकि जो है जो मैदे की कोटिंग है वो हल्की सी पक जाए, अगर आप फौरन इसको हिलाएंगे तो वो इसकी कोटिंग खराब हो सकती है। तो इसको हल्का सा पहले हम फ्राई होने देंगे इसकी शेप आ जाए और फिर इसके बाद हम इसको इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे। तकरीबन 6-7 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करना है। अगर आपको लगे कि अभी थोड़ी सी कसर बाकी है तो आप थोड़ा सा और फ्राई कर सकते हैं लेकिन 6-7 मिनट काफ़ी होते हैं और फिर आप अपने पीसेस जो हैं वो निकाल लें। और इस तरह से अगर कोई पीस भागने की कोशिश करे तो उसको फिर घेर के वापस अपने पैन में ले आए। तो ये पीसेस हमारे रेडी हैं, आप देख रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त शक्ल निकल आई है KFC स्टाइल। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये 4 चिकन पीस हमने डिश में निकाल लिए हैं, इसकी खुशबू भी बहुत बेहतरीन आ रही है। तो इसी तरह से हम अपने बाकी चिकन पीसेस भी फ्राई कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो हमारे सारे चिकन पीसेस जो हैं वो फ्राई हो गए हैं और आप ये देख सकते हैं कि इनका कलर और इनका शेप बहुत ही प्यारी आई है और ये टेस्ट में भी बड़े ज़बरदस्त हैं क्योंकि मैरिनेशन बड़ी अच्छी की मेरी बेगम ने, तो इनका टेस्ट भी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त आया है। तो अभी एक पीस जो है वो मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ कि ऊपर से तो ये क्रिस्पी होने चाहिए लेकिन अंदर से ये पीसेस जो है वो जूसी होने चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि अंदर से बिल्कुल जो है वो जूसी है और बाहर से ये बहुत ही क्रिस्पी है। तो इसको आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, बारबेक्यू सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये यूं केचप के साथ डिप करें और एक पीस ट्राई करें। अक्सर शिकायत होती है कि पीसेस जो है वो फ्राई होने के बाद नरम हो जाते हैं, तो हमारे पीसेस जो है वो उनकी क्रंचीनेस बरकरार है। हम इसकी आवाज भी आपको सुना देते हैं। तो ये आपने आवाज सुनी कि ये बहुत ही क्रंची बने हैं। तो अब पीसेस तो रेडी हो गए हैं लेकिन बच्चों को जो चीज़ पसंद होती है वो होता है जिंगर बर्गर।
तो हम इन्हीं पीसेस को यूज करते हुए हम अपना जिंगर बर्गर भी रेडी कर लेते हैं। हम एक बन ले लेंगे, उसमें एक साइड पे हम लगा लेंगे केचप, दूसरी साइड पे हम लगा लेंगे इसके मायनीज। अगर आपके पास मस्टर्ड सॉस है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। हमने यूज की केचप और मायनीज। तो ये आप उसकी मायनीज की लेयर लगा लें दूसरे बन पे। फिर हमने यूज किए सलाद के पत्ते, लेटस, आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने यूज किया टमाटर, एक टमाटर का स्लाइस रखा हुआ था, और उसके पास हमने यूज किए जलपीनो। जलपीनो असल में थोड़े से स्पाइसी टेस्ट देता है, तो ये इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर आप लोग कुछ और यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये नीचे का पोर्शन रेडी करके उसके बाद हमने रख लिया एक बोनलेस पीस जो हमने फ्राई किया था, और ये हमारा लास्ट स्टेप था। और अब हम इसको बन का दूसरा पीस जो है उसके ऊपर रख के ये अपना जिंगर बर्गर जो है वो रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा जिंगर रेडी हो गया है। और अगर आपने बाजार का जिंगर खाया है तो आपको पता होगा कि उसका साइज इस बर्गर के बराबर तो नहीं हो सकता। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और मजेदार रेसिपी के साथ।